अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर का हुआ भव्य स्वागत। जी हां, खबर है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा में आज भोलन परिवार के वरिष्ठ एवं आदरणीय कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का अवाह देवी में भव्य स्वागत किया। अनुराग सिंह ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल पधारे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी भी पहली बार भोरन विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ थे और उनका मार्गदर्शन भी भोरन परिवार को मिला। भोरंज के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान जी ने कहा कि हम सब भोरन परिवार प्रधानमंत्री और समस्त भाजपा नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अनुराग जी को केंद्रीय मंत्री का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप कर हम सबको अनुग्रहित किया है। वे आशा करते हैं कि श्री अनुराग ठाकुर जी भारत के साथ हिमाचल, हमीरपुर और भोरंज की भी सेवा करेंगे और ऊंचाइयों के नए मुकाम हासिल करेंगे। डॉक्टर अनिल धीमान जी ने कहा कि मैं भोरंज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं निवासियों का धन्यवाद करता हूं, जो मेरे निवेदन पर भारी संख्या में अवाह देवी के पवित्र प्रांगण में पहुंचे और जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति में सफल बनाए। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ठाकुर जयमल जी, पंचायत उप प्रधान राजेश शर्मा, नरोत्तम चंद, जोगिंद्र राणा, विपिन अग्नोत्री, वीरेंद्र करतार, योगराज शर्मा तथा भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की यह खास रिपोर्ट। ये अभी अनुराग जी का स्वागत करने के लिए वहाँ देवी जाएंगे। अनुराग जी की जो कुलदेवी है वहाँ पर सभी स्वागत करेंगे। अभी सभी इनके जो कार्यकर्ता हैं ये इनके साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, जैसे अनुराग जी आज आ रहे हैं वहाँ देवी में? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम अनुराग जी का हमीरपुर में और भोरंज क्षेत्र में स्वागत करते हैं जी। हमारे युवा नेता हमीरपुर के, हमारे अपने भोरंज के जी। भारत सरकार में आज केंद्रीय मंत्री हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हिमाचल और भोरंज में आए हैं जी। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो भारत के साथ साथ हिमाचल के साथ साथ हमीरपुर और भोरंज का भी सेवा करेंगे और वो अपनी अगली तरक्कियों को आगे छुएंगे। आदरणीय कोमल जी और धीमान जी के आशीर्वाद से पहले भी भोरंज क्षेत्र जो था वो प्रगति के पथ से अग्रसर था और आदरणीय अनुराग जी के मंत्री बनने से इसकी तरक्की को और चार चांद लगेंगे, ये हम आशा करते हैं। अनुराग जी का भव्य स्वागत आज आवाज किया जाएगा, हम इसकी